हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेवई रेसिपी बनाना बता रही हूं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। मैंने सुबह मॉर्निंग में सिवाई बनाई थी, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सिवाई बनी थी। बिल्कुल हमारा एक एक दाना जो इसका ये खिला हुआ, इसे मैंने फ्रिज में रखा था। जो इसका घी रहता है वो थोड़ा सा हमारा घी जो है वो जम गया है। बाकी हमारी बिल्कुल खिली हुई बनी थी, परफेक्ट नाप के साथ में बिना पानी फेंके मैंने इसे बनाया था। इसका वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि उसे मैंने किस तरह से बनाया था। आज मैं इसकी आपको खीर बनाना बता रही हूँ, जो काफी टेस्टी और बढ़िया लगती है। मेरी कम से कम ये 3 कप सिवाई है। बनने के बाद इसे मैंने नापा है, जो मेजरिंग कप आता है उससे आपके पास जितनी बची है उस हिसाब से इसे आप बना सकते हैं। मैंने गैस पे कढ़ाई गर्म करने के लिए रखी है। इसके अंदर मैं 500 ml दूध ले रही हूँ। दूध को मैंने तेज गैस पे गर्म करने के लिए रखा है। इसी के अंदर मैंने 1 किलो दूध की मलाई निकली थी, उसे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। लगभग ये 1/4 कप के करीब है। दूध मैंने एक बार अच्छे से उबाल लिया था, इसे हम एक बार फिर से अच्छे से उबाल लेंगे। मैंने उबालने के बाद दूध को ठंडा करने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ चुका है, गैस को मैं थोड़ा मीडियम कर रही हूँ। इसी के अंदर मैं 4 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। जो नॉर्मल चम्मच हमारे घर में रहता है उसी चम्मच से, क्योंकि मैंने सिवाई जो है मीठी बनाई थी, इसलिए मैं सिर्फ दूध के हिसाब से ही इसमें शक्कर का यूज कर रही हूँ। इसे हम इसी तरह से चलाते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से दूध को उबाल लेंगे। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया। इसे हमें बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। जो हमने सिवाई बच गई हमारी, सारी सिवाई हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस को भी मैं थोड़ा सा तेज कर रही हूँ। सिवाई के अंदर मेरे ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, इसलिए मैं ऊपर से थोड़े से ही डालूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक उबाली ले लेंगे। इसमें अच्छे से उबाली आना स्टार्ट हो चुकी। गैस को मैं थोड़ा सा मीडियम कर रही हूँ, एकदम लो नहीं करना, थोड़ा सा मीडियम। मीडियम गैस पे इसे हम चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे, ताकि अभी थोड़ा सा पानी और दूध और सिवाई दोनों हमारे अलग अलग जा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा इसे हम गाढ़ा करेंगे। मैंने इसे 10 मिनट तक उबाला था, ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गाढ़ी हो गई है। गैस को आप बिल्कुल अब लो कर दीजिए। इसी के अंदर मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने काजू, बादाम और किशमिश, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जितने पसंद है उस हिसाब से इसमें आप डाल सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम सिर्फ 2 मिनट और उबालें, ताकि किशमिश भी हमारी थोड़ी सी फूल जाएगी और ड्राई फ्रूट्स हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। मुझे इसे उबालते हुए 2 मिनट का समय हो चुका है। ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी हो गई है। ये देखिए दूध और सिवाई हमारी एक जैसे मिक्स हो गई है। इससे ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ी करना है, इसे ना ही ज़्यादा पतली करना है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। इसे आप ठंडा करके भी खा सकते हो, इसे गरम गरम भी खा सकते हैं, दोनों में काफ़ी बढ़िया टेस्टी लगती है। इसी कप में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, थोड़े से मैंने बचा लिए थे। इसे मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि हमारी सिवाई कितनी बढ़िया बनी है। सिवाई अगर हमारी बच गई है तो इस तरह से हम इसकी खीर बना के खाएंगे तो काफी टेस्टी लगती है। सिवाई हमारी वेस्ट भी नहीं होती है और हमारी नई रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। देखिए सिवाई बिल्कुल अभी भी हमारी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल भी ये आपस में चिपकी नहीं है। ये देखिए इसे बनाने का तरीका का वीडियो मेरा डला हुआ है, उसे आप जरूर देखिएगा, काफी टेस्टी लगती है। इसको हमने मीठा बनाया था, इसे आप आमरस के साथ भी खा सकते हैं सिवाई को। उस तरीके से मैंने ये आपको सिवाई बनाना बताई थी। शुगर आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि सिवाई में आप कितना मीठा डाल रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिवाई में फुल मीठा डाला था, इसलिए मैंने दूध के हिसाब से ही सिर्फ 4 चम्मच शक्कर का यूज करा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है
मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।